चीन लगातार भारत से किसी न किसी तरीके से पंगा लेने से बाज नहीं आता है। अब भारत और श्रीलंका में चल रहे विवाद के बीच चीन अड़ंगा लगाने की कोशिशों में जुटा है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक पहाड़ को लेकर विवाद चल रहा है। भारत इस पर अपना अधिकार हासिल करके उत्खनन करना चाह रहा है, लेकिन किसी कारण भारत को कामयाबी नहीं मिल रही है। भारत के दावे को सीबेट ने किया खारिज। भारत ने इसके लिए जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से दावा किया था, लेकिन सीबेट ने इस भारत के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि समुद्री इलाके पर श्रीलंका का भी दावा है। सिर्फ यही नहीं, भारत इस पहाड़ पर कब्जा हासिल करने के लिए $5,00,000 की फीस खर्च कर चुका है। भारत को सबसे बड़ा खतरा श्रीलंका नहीं बल्कि चीन से है, क्योंकि चीन भी इस पहाड़ पर नजर गड़ा कर बैठा है और श्रीलंका की मदद से इस पर अपना अधिकार हासिल करना चाहता है। इसलिए चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अफानसे निकितिन सी माउंट में ऐसा क्या है खास? इस पहाड़ में भारी मात्रा में कोबाल्ट होने का अनुमान है। अफानसे निकितिन सी माउंट मध्य हिंद महासागर में मौजूद है और ये 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोबाल्ट का प्रयोग आज दुनिया भर में मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो रहा है। इसकी मदद से हथियार भी बनाए जा रहे हैं और भारत 15 साल के लिए इस पहाड़ का सर्वेक्षण करना चाहता है, और इसलिए भारत ने इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से सर्वेक्षण को लेकर मंजूरी मांगी थी। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत बनाया गया है। बता दें कि साल 2021 में भारत ने डीप ओशियन मिशन शुरू किया था, जिससे कि समुद्र के अंदर रिसर्च किया जा सके। भारत की नजर समुद्र के नीचे छिपे कोबाल्ट समेत अन्य खनिजों पर है, क्योंकि भारत साल 2070 तक देश को कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति दिलाना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए कोबाल्ट की बड़ी भूमिका है।